राशन कार्ड और मकान के लिए किया धर्मांतरण। एमपी में मुसलमान से हिंदू बनने वाले 18 गरीबों की इनसाइड स्टोरी में दैनिक भास्कर ने किए चौंकाने वाले खुलासे। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का आंबा गांव, पिछले दिनों यहां 18 मुसलमानों ने एक साथ हिंदू धर्म अपना लिया। इस खबर के कारण ये गांव देश भर में सुर्खियों में रहा। गोबर गौमूत्र से स्नान और मुंडन के बाद ये लोग सनातनी हो गए। दैनिक भास्कर ने उनके गांव पहुंचकर धर्मांतरण की पड़ताल की तो पता चला कि धर्मांतरण के पीछे की असल वजह गरीबी और भूख है। धर्मांतरण करने वाली महिलाएं हमसे भी गुहार लगाती रही कि राशन कार्ड बनवा दो, मकान दिलवा दो। खास बात ये है कि भले ही धर्मांतरण करने वाले ये लोग मुसलमान थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर को तो मुस्लिम धर्म के त्योहार भी नहीं पता। इन्होंने ना कभी नमाज पढ़ी और ना ही कुरान, ये कभी मस्जिद भी नहीं गए। हाँ, हालात समझकर ये फैसला जरूर कर लिया कि सनातनी हो जाएंगे तो कुछ पक्का इंतजाम हो जाएगा। इनमें से एक महिला ने कबूल किया कि हमें बोला गया कि हिंदू धर्म में आ गए तो घर मकान सब मिलेगा। रतलाम हाईवे से 30 किलोमीटर भीतर है आंबा पंचायत। यहाँ गांव के दूसरे छोर पर कुछ कच्चे पक्के मकानों के बीच इन फकीरों का डेरा है। कुछ के पास वोटर आईडी भी है। ज्यादातर लोग गांव-गांव भीख मांगकर परिवार के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। सालों से ये लोग इसी गांव में डेरा डाले हैं। दुनियादारी को समझने वाले राम सिंह इनकी नुमाइंदगी करते हैं। पहले उनका नाम मोहम्मद था। वे कहते हैं कि वो पहले मुसलमान थे, फकीरी करते थे। कुछ दिन पहले गांव के पास शिव पुराण की कथा सुनने गए थे। बस फिर मन हुआ कि अब सनातनी हो जाना ही ठीक होगा। हमने स्वामी जी को मंशा बताई और सनातनी हो गए। 3 पीढ़ी पहले हम हिंदू ही थे, फिर मुसलमान बन गए थे। अब हम फिर वापस आ गए। हमारे कई साथी अभी और सनातन धर्म में शामिल होंगे। राम सिंह से सवाल किया कि आपका विवाह हुआ था या निकाह, तो जवाब मिला विवाह ही हुआ था, निकाह नहीं। वजह पूछने पर कहते हैं हम देहात में थे, मुस्लिम भले ही थे लेकिन हमारा विवाह ही हुआ था। दूसरे साथी अर्जुन कहते हैं कि हमने मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया है। हमने पूछा कि पहले कैसे इबादत करते थे, बोले हमने कभी नमाज पढ़ी ही नहीं, हमारे बाप दादा भी कभी मस्जिद नहीं गए, हम शुरू से ही हिंदू धर्म को मानते हैं। हालांकि जब अर्जुन ये कह रहे थे तो उनके करीब खड़े राम सिंह कहते सुनाई गए कि पहले ईद पर नमाज पढ़ते थे। रंजिता बाई कहती है कि मेरा नाम पहले रंजिता बी था। हम 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान बन गए। हम नमाज भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे। हम कुछ दिन पहले कथा सुनने गए थे, फिर हमको अपना धर्म याद आया, हम हिंदू धर्म में शामिल हो गए तो भोलेनाथ की पूजा करते हैं। 7वीं में पढ़ने वाला नवाब अब रमेश बन गया है। कहता है कि हिंदू होने के लिए नाम बदल लिया, नमाज पढ़े थे कभी? इस सवाल पर कहता है कि हाँ, एक बार पढ़ा था। मैंने कहा कि ये हिंदू मुसलमान क्या होता है, तो बोला कि हम पहले से हिंदू थे, अब हिंदू ही होना चाहते हैं। पहले कौन से त्योहार मनाते थे? इस सवाल पर बोला कि दीपावली और नवरात्र सब मनाते थे। हमने पूछा कि अब कौन से त्योहार मनाओगे, तो बोला कि हम माता जी के त्योहार मनाएंगे। 3री क्लास में पढ़ने वाले खानशाह का नया नाम सावन हो गया है। बोला कि पहले ईद भी मनाते थे, अब होली दिवाली सब मनाएंगे। 9वीं में पढ़ने वाला नजर अली अब मुकेश हो गया है। वो कहता है कि पहले मुसलमान थे, अब हिंदू हो गए हैं। यहाँ शिव पुराण कथा के आयोजक नरेंद्र राठौर कहते हैं कि यहाँ आनंदगिरी महाराज कथा कर रहे थे। ये लोग यहाँ कथा सुनने आए थे, उसी दौरान इन्होंने धर्मांतरण की इच्छा जाहिर की। यहीं आश्रम के सुरेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि इन्हें ना तो मुसलमान अपना मानते थे ना हिंदू। शिव पुराण की कथा के दौरान इन्हें लगा कि यदि सनातनी हो जाएंगे तो एक जाति मिल जाएगी। इन्हें बादिया जाति में शामिल किया गया है। सोशल मीडिया पर दैनिक भास्कर द्वारा शेयर की गई इनसाइड स्टोरी पर मोहम्मद अली ने कहा, पहली बात तो ये कि ये लोग हिंदू ही थे, फकीर बनकर मांगते थे। एक और सोशल मीडिया यूजर ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा, अब तो ये गरीब लोगों को चैन से जीने देंगे। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले